राम राम सा। आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच में पधारे हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सामान्य सचिन पायलट जी, सामान्य रघु शर्मा जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे विधायकगण और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और दूर दराज से आए हुए अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मेरे किसान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम आपको निवेदन करने के लिए आए हैं कि आगामी लोकसभा के चुनाव की तारीख 29 तारीख है। आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि आप एकजुट होकर एक मन बनाकर और आने वाली 29 तारीख को भाई रिजू जी हमारे यहाँ जो है लोकसभा अजमेर के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में और हाथ के निशान का बटन दबाकर और 29 तारीख को कांग्रेस का हाथ का बटन दबाकर और कांग्रेस से भारी बहुमत से विजय दिलाओ, ये हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। पीछे आपने देखा होगा कि जो 2014 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव थे उन लोकसभा चुनाव के अंदर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश की जनता के बीच में बैठकर एक लिखित में घोषणा पत्र दिया था और देश की जनता से वादा किया था। वो वादा किया था कि हमारे देश का पढ़ा लिखा यूथ है उसको 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी हर साल, और एक एक भारतीय के खाते में, उस किसान के खाते में, उस गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने की बात करी थी, और उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर काला धन ला के आऊंगा। इन वादों पर बिल्कुल ये मुकर गए, एक भी वादा निभाने का काम नहीं किया। इसलिए साथियों, समय आपका आ गया, आप पूरे मजबूत तरीके से राहुल गांधी जी के संदेश को और राहुल गांधी जी के सपनों को हमें एकजुट होकर एक तव संतन के साथ उसको मजबूत करके और राहुल गांधी जी के सपनों को साकार कर और देश के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को जवाब बिठाना है, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। इन्हीं सपनों के साथ में